हेलो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा माइंड यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस डबल मीनिंग के एक और नए वीडियो आप सभी के सामने उपलब्ध है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सामने तीन सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपका पहला सवाल। काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आपको जवाब देना होगा सिर्फ 5 सेकंड में ही। जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर आप लोग हमारे जवाब का इंतजार करें। और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन और अधिक चाहिए या आपके पास कोई इस तरह के क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आने वाली वीडियो में आपका क्वेश्चन जरूर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर इसका सही जवाब है काला कौवा भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। काला कौवा भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, चांद पर इंसान को भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? चांद पर इंसान को भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब देना होगा। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपको यहाँ पर अगर वीडियो से कुछ भी चीज़ नॉलेज मिलती है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको इसका जवाब बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसका सही जवाब है, चांद पर इंसान को भेजने वाला दुनिया का पहला अमेरिका देश है। जी हाँ, आप इसको अच्छे से किसी भी चीज़ पर नोट करें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जिसको आप इंतजार कर रहे थे, एक औरत बिना करे कितने दिनों तक रह सकती है? जी हाँ, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, डबल मीनिंग का क्वेश्चन है भैया। अच्छे समझे, पॉजिटिव सोचें, निगेटिव मत सोचें, तो ये आपका अच्छा फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है डबल मीनिंग का क्वेश्चन है, फिर आप यहाँ पर आंसर देने के बाद बुरा मत मानना क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो डबल मीनिंग का आंसर होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको टाइप करना होगा। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए, यहाँ पर इसका जवाब मैं आपको बताना हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ भैया, बुरा मत मानना क्योंकि डबल मीनिंग का क्वेश्चन था, मैंने आपसे पहले बोला था। ये जो क्वेश्चन है आपके इंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं। एक औरत बिना शॉपिंग के सेल आने तक रुक सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक औरत बिना करे शॉपिंग के सेल आने तक रुक सकती है। तो भैया यहाँ पर बुरा मत मानना क्योंकि आपके इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। इस तरह क्वेश्चन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो भी एक दफे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रोजाना इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए, अपना फुल एंटरटेनमेंट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।